दोस्तों आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो अगर आप किसी को भी बिना बताए करेंगे तो आप मालामाल हो जाएंगे। देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी, राधे राधे। मैं हूं आपकी दोस्त मेघा वर्मा। अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आपके पास पैसे की कमी है और आप और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको बहुत आसान से 7 उपाय बताएंगे। इन उपायों को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उनका असर जल्दी दिखता है। चलिए आपको बता देते हैं वो उपाय कौन से हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप ये उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लें। एक और बात आपको यह बताना चाहेंगे कि उपाय करते वक्त आपके मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उस चीज को करना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती आपके ऊपर तनाव है, प्रभाव है कि आपको करना है तब आप करें। उपाय कोई भी करें, किसी भी पुस्तक से हो, आप उन उपायों के प्रति अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर रखें। पहला उपाय है, धनवान होने की इच्छा रखना चाहते हैं तो बुधवार को ये उपाय जरूर करें। उपाय के अनुसार बुधवार के दिन 7 साबुत कौड़ियां लें, इसके साथ थोड़े से हरे मूंग भी लें, दोनों को एक हरे कपड़े में बांधें और किसी मंदिर की सीढ़ी पर रखें। रविवार को एक गिलास दूध भर कर अपने सिर के पास रखकर सोएं। अगले दिन सुबह यानी फिर सोमवार को अपने रोजाना के काम करने के बाद इस दूध को किसी बबूल के वृक्ष में उसकी जड़ में डाल दें। सोमवार की रात अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। चांदी की कील छोटी भी लगाई जा सकती है, जरूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी महंगी ही लगाएं। ये एक चमत्कारी उपाय है। इसके बाद घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, पैसे की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। धनवान होना चाहते हैं तो कच्चे दूध का ये उपयोग जरूर करें। हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद नित्य कर्म करें, इसके बाद अपने घर के नजदीक किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा दें। गुरुवार को आप पीले कपड़े पहने, खाने में पीले रंग की मिठाई खाएं, साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान करें। अगर कोई कर्ज आपको परेशान कर रहा है, आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाला उपाय जरूर करें। आपको कोई कर्ज है, ऋण ले रखा है तो उसका भुगतान आप मंगलवार के दिन ही करें। जैसे अगर आपने कोई सामान लिया है किसी दुकान से और आपका वहाँ पे खाता चलता हो तो आप उनके सारे पैसे मंगलवार के दिन ही चुकाएं। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को कर्ज के पैसे नहीं देने चाहिए। किसी भी तरह का कर्ज चुकाने के लिए मंगलवार का दिन ही सबसे उत्तम है। हो सके तो आप हमेशा चांदी के बर्तन से ही पानी पिएं। चांदी का बर्तन नहीं मिल रहा है तो सादे स्टील के गिलास में पानी भरें, उसमें चांदी की अंगूठी डालकर उस पानी को पी लें। ये सरल और चमत्कारी उपाय है, इससे निश्चित तौर पर धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि उपाय कोई से भी हो, आपको हर उपाय करने से पहले उन उपायों के प्रति अपने मन में विश्वास और आस्था रखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। हमारा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना था। इस जानकारी को किस तरह से अपने जीवन में सार्थक करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है।